नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रेन सेफ्टी के बारे में। आपको सबको पता है कि क्रेन जो है आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक ऐसा मशीन है क्रेन, जिसके द्वारा आप किसी भी मटेरियल को इधर से उधर उठा सकते हैं, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, इरेक्शन कर सकते हैं, लॉन्चिंग कर सकते हैं। तो क्रेन जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान, खास करके अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स की बात करें, हैवी लिफ्टिंग मशीनरीज की बात करें, बड़ी बड़ी हाई राइज टावर की बात करें, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें। जितनी इंडस्ट्री जैसे हैं कि छोटी से छोटी मशीन को आपको स्लिंग के द्वारा, क्रेन के द्वारा उठाना पड़ेगा, तो क्रेन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर क्रेन ना हो या ये मशीनें ना हो, तो हम लोग किसी भी तरीके का जो मटेरियल है उसको शिफ्ट करने के लिए, जो क्रेन एक दिन के अंदर 2 घंटे के अंदर कर सकती है, उस काम को करने में हमें सालों साल लग सकते हैं। तो क्रेन जो है जितना बड़ा मशीन है उतना बड़ा खतरा भी है। क्रेन के साथ अगर कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं तो एक साथ में बहुत से लोगों की जान जाती है, इसलिए क्रेन सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रेन के साथ में जब भी कभी डील करें, क्रेन के साथ जब भी कभी काम करें, तो हमने अपने साथ साथ आसपास के लोगों का सेफ्टी भी जरूर देखना है। तो हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रेन क्या है? क्रेन एक मशीन है जो लिफ्टिंग करने के लिए, मटेरियल को लोअर करने के लिए, किसी मटेरियल को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए, चाहे वो हॉरिजेंटली हो चाहे वर्टिकली हो, उसको होस्ट करने के लिए एक एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करता है, जो कि एक मशीन होता है जो एक रोल प्ले करता है लिफ्टिंग का, लोअरिंग का और मूविंग का। तो क्रेन जो है ये फिक्स्ड क्रेन भी हो सकती है, सेल्फ ड्रिवन भी हो सकती है, और पावर ऑपरेटेड भी हो सकती है, किसी भी तरीके की क्रेन हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ क्रेन है। सबसे पहले मोबाइल क्रेन है जो आमतौर पर हमारी साइटों के ऊपर देखने को मिलती है। मोबाइल क्रेन के बाद में गेंट्री क्रेन है। उसके बाद में जैसे गेंट्री क्रेन अपने जो कास्टिंग यार्ड्स होते हैं उनके अंदर जो लगाई जाती है। टावर क्रेन है, जहाँ पे भी हाई राइज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टावर क्रेन यूज करते हैं। मैकेनिकल क्रेन्स है, तो ये टाइप्स ऑफ क्रेन्स हैं। कौन कौन सी क्रेन कैसे काम करती है, उसमें किस तरीके की सेफ्टी बरती जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये टाइप ऑफ लिफ्टिंग है। आमतौर पर 2 तरीके की लिफ्टिंग होती है। एक होता है मैनुअल लिफ्टिंग, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। अगर आपको मैनुअल लिफ्टिंग देखना है, समझना है, तो आप दूसरी वीडियो से मैनुअल लिफ्टिंग ले सकते हैं। मेरी दूसरी वीडियो उसके ऊपर स्पेशली बना के रखी हुई, जो मैनुअल लिफ्टिंग के ऊपर एक मैकेनिज्म पूरा का पूरा बताती है कि किस तरीके से मैनुअल लिफ्टिंग करती है और उसमें क्या क्या हजार्ड हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल लिफ्टिंग की, जो कि हम क्रेन के थ्रू, चेन ब्लॉक के थ्रू और स्लिंग के थ्रू और बहुत सारी और चीजें जो इनके अंदर हम लोग यूज करते हैं, वो मैकेनिकल लिफ्टिंग के पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग क्रेन के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग क्रेन से लिफ्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके की लिफ्टिंग हो सकती है? एक होता है नॉर्मल लिफ्ट या लाइट लिफ्टिंग, जिसमें कोई छोटा सा वेट जो कि 1 टन से लेके 10 टन तक का हो सकता है, वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद हैवी लिफ्टिंग होती है। हैवी लिफ्टिंग का मतलब होता है कि आपको 100 टन के आसपास या 100 से लेके 1000 टन के आसपास का आप मटेरियल उठा रहे हो। उसके बाद में आपका क्रिटिकल लिफ्ट है। क्रिटिकल लिफ्ट ऐसा होता है जिसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिस बहुत बड़े स्ट्रक्चर को मान लीजिए कि जिसका जो स्ट्रक्चर जो है, आप जो लोड जो आप उठाना चाहते हो, वो लोड का जो आकार है वो ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़े हैं लिफ्ट करने के लिए किसी भी मटेरियल को। मान लीजिए किसी पियर को उठाना है, या मान लीजिए किसी यूगटर को उठाना है, मान लीजिए किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर को उठाना है जिसके अंदर कई पॉइंट्स बनाए हो, तो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। उसके बाद होती है टेंडम लिफ्टिंग। टेंडम लिफ्टिंग होती है कि जितनी भी आपकी जो क्रेन है, आप जब एक क्रेन से जब काम करते हैं तो वो लिफ्टिंग कहलाता है, जब आप दो क्रेन से या दो क्रेन से अधिक काम करते हैं, जब आपको दो से ज्यादा क्रेनों की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं। टेंडम लिफ्टिंग मेट्रो के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े लोड को डील करते हैं, तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है बड़े आसानी। तो ये जितनी भी लिफ्टिंग आपने देखी है, सारी की सारी लिफ्टिंग क्रिटिकल लिफ्टिंग होती है। किसी भी लिफ्टिंग को हमने नॉर्मल लिफ्ट नहीं समझना चाहिए कि ये जो है इसका वेट कम है, इसका आकार छोटा है, तो इसमें कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है।
दुर्घटना के चांसेस कभी भी हो सकते हैं। जब आप कभी भी कोई गलत एक्टिविटी करेंगे या कोई अनसेफ कंडीशन में काम करेंगे या कोई अनसेफ एक्ट करेंगे तो दुर्घटना होनी निश्चित है। तो हमने किसी भी लिफ्ट को लाइटली नहीं लेना है, इस तरीके से नहीं लेना है कि ये छोटा लिफ्ट है तो बड़ा इजीली हो जाएगा। उसमें भी हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके ही काम को करना है। तो क्रेन रिलेटेड जो फैटलिटीज हैं, अगर बात करें, जब से ओशा पहले जब गठित नहीं हुआ था, जब नहीं बना था, तो आज से लगभग 43 ईयर्स पहले की बात है, तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि 14,000 ऐसे वर्कर्स थे जो कि हर साल मारे जाते थे लिफ्टिंग एक्टिविटीज के चलते या क्रेन के ऑपरेशंस के चलते। तो अगर बात करें हर दिन की, तो 38 फैटलिटीज थी जो कि हर दिन हुआ करती थी। ये डॉक्टर माइकल असिस्ट जो है वो कहते हैं, जो कि असिस्टेंट हैं लेबर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ये। तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि लिफ्टिंग जो है या क्रेन के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कितने ज्यादा क्रिटिकल हैं, उनमें फैटलिटी की जो संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रेन रिलेटेड डेथ की, जो कंस्ट्रक्शन में होती हैं। ये 1992 से 2006 का आंकड़ा है दिया हुआ है यहाँ पे। कॉजेज ऑफ डेथ क्या क्या है? ओवरहेड पावर लाइन के संपर्क में आने की वजह से 102 लोग, मतलब 32% आसपास के लोगों का की जान गई है। क्रेन के कोलैप्स होने की वजह से 68 लोगों की जान गई है, मान लीजिए 21% के आसपास में है। क्रेन के बूम से टकराने के साथ में 18% लोग, जो क्रेन के लोड के संपर्क में आ गए या उसके बीच में पिस गए, उसके बीच में स्ट्रक हो गए, उसके 7%। कोट इन बिटवीन, दो लोड के बीच में आ गए या लोड के नीचे दब गए, 7%। स्टक बाई क्रेन, क्रेन के कांटेक्ट में आ गए, 6%। और बाकी जो अदर कॉजेज हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अदर कॉजेज है जिनकी वजह से क्रेन ऑपरेशंस में फैटलिटीज होती हैं। हजार्ड क्या क्या है क्रेन ऑपरेशंस के? आप पावर लाइन के कांटेक्ट में आ सकते हैं, रिगिंग फेलियर हो सकता है, स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, टिप ओवर हो सकते हैं, आपका रेडियस जो है वो किसी को, जो आपका स्विंग एरिया है, जो किसी भी क्रेन जब मूव करती है तो उसका स्विंग एरिया होता है, स्विंग एरिया के रेडियस के अंदर किसी के आने की वजह से, फंसने की वजह से उसकी जान जा सकती है। तो कॉजेज ऑफ क्रेन फेलियर्स क्या क्या होंगे? इम्प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। अगर इम्प्रॉपर सेटअप है, आपने आउटरिगर को अच्छे तरीके से नहीं डाला है, आउटरिगर को अच्छी तरह से पोजीशन नहीं किया गया है, जहाँ पे आउटरिगर आपने रखा है वो जो जगह है वो अनस्टेबल है, उसके नीचे कोई यूटिलिटीज है, या वो ऐसा एरिया है कि अनकम्पेक्टेड है, उसका कम्पेक्शन नहीं किया गया है, उसकी वजह से आपका जो क्रेन है वो कोलेप्स कर सकता है, फेल हो सकता है, आपका जो इंस्पेक्शन जो आपने किया गया है वो फेलियर हो सकता है, आपका डैमेज कंपोनेंट की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो क्रेन फेलियर के कुछ ये मेन कारण हैं, जिसको आप अनलेवल और जगह पे अगर आप क्रेन को खड़ा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्रेन कोलैप्स हो सकती है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखेंगे, आप क्रेन एक्सीडेंट्स का डाल के सीधा आप डालेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट मिलेंगे जो कि रोके जा सकते थे अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती होती या इन चीजों को किया जाता कि आपका आउटरिगर सही तरीके से है, उसके नीचे प्रॉपर पैकिंग हो रखी है, कॉम्पेक्शन किया गया है, स्टेबल अंडरग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं, नीचे कोई यूटिलिटीज वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, एक लेवल पे आप काम कर रहे हो। तो ऐसे आप देख के, और आप देखना यूट्यूब के ऊपर जब वीडियोस देखेंगे, आप डाल देना क्रेन एक्सीडेंट्स या क्रेन टॉपलिंग एक्सीडेंट, आपको सब कुछ दिखाई देगा, कौन कौन सी क्रेन कैसे कैसे कोलैप्स हो गई है, कई बार आंधी की वजह से, तूफान की वजह से, बारिश की वजह से, कई बार एक्स्ट्रा लोड होने की वजह से, बहुत सारी जो ऐसी जो क्रेन्स है वो कोलैप्स कर जाती हैं। और आमतौर पर जो एक क्रेन जो आती है बहुत महंगा है, एक इक्विपमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा हाथी आप पाल रहे हो, इतना बड़ा जो क्रेन है वो लगभग बात करें तो करोड़ों में इसकी कीमत है। तो अगर कोई एक एक्सीडेंट होता है तो प्रॉपर्टी डैमेज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। और लाइफ सेफ्टी की अगर बात करें, किसी आदमी की अगर जान चली जाए लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान, तो उससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इंसान की जो लाइफ है वो प्राइसलेस है, उसमें कोई आप किसी को प्राइस टैग नहीं दे सकते कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो कोई भी आदमी जिसकी जान जाती है उसके घर वालों को सब कुछ भुगतना पड़ता है। तो आपको क्रेन के ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसके अलावा ओवरलोड की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्रेन कोलैप्स हो जाती हैं, जैसे वो मैकेनिकल फेलियर हो जाए, मैकेनिकल फेलियर होने की वजह से ओवरलोड हो गया, एक जगह से मैकेनिकल फेलियर हो गया, क्रेन का बूम कोलैप्स हो गया, या क्रेन का स्लिंग कोलैप्स हो गया, या फिर हाइड्रोलिक फेल हो गया, या जो ज्यादा लोड आने की वजह से इम्पैक्ट हो गया किसी दूसरे व्हीकल के ऊपर, या किसी लोड जो है वो छूट गया,
या फिर साइड लोडिंग हो गया, या बहुत तेज हवा के साथ भी ओवरलोड की जो सिनारियो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो सीन है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं मैकेनिकल फेलियर हाइड्रोलिक फेलियर ये बहुत आम है। तो वेदर कंडीशन भी काफी हद तक इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी कोई लिफ्टिंग अगर आप कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो रहा है कि बहुत तेज आंधी आ गई है, विंड प्रेशर ज्यादा है, तो अपनी एक्टिविटीज को कुछ देर के लिए होल्ड कर लीजिए। उसके बाद पावर लाइंस की बात करें, तो आपका जो क्लियरेंस है, अगर वो अच्छे तरीके से हमने क्लियरेंस नहीं मेंटेन किया, तो भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कि अगर 50 KVA का आपका पावर लाइन है, तो 4 फीट का आपको डिस्टेंस चाहिए। आपका 50 KVA से 350 KVA तक है, तो आपको 10 फीट का गैप चाहिए। आपको 750 KVA तक है, 16 फीट का गैप चाहिए। तो जो डिस्टेंस जो है वो आपको कवर करना है हर लिफ्टिंग के दौरान। जब भी आप किसी पावर लाइन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, या किसी पावर लाइन के आसपास में आपको कोई एक्टिविटी करना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कवर करके रखना है उससे, जिससे आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। तो ये पावर लाइन का है। इस तरीके से अगर कोई पावर लाइन आपके पास जा रही है, तो उस एरिया को हम प्रोविडेड जोन में डाल देना चाहिए उसको। और प्रोविडेड जोन करने के बाद वहां पे कोई भी लिफ्टिंग, कोई भी लोडिंग का जो काम है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अनसेफ हो सकता है। इस तरीके से जैसे हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी प्रोविडेड जोन हो सकती हैं। जैसे हमने 350 KVA तक बात करा था, 350 KVA तक हमें 20 फिट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर 752,000 KVA तक हम लोग जाते हैं, तो 45 फिट का हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है ये पावर लाइन से। जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए सेफ है, उतना आपकी क्रेन के लिए सेफ है, उतना आपके जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए सेफ है। तो ओवरहेड पावर लाइन से अगर बात करें कितने लोगों की जान गई है, तो जो वर्कर थे जिनके जो पैर टच हो गए या मशीन के जो कॉन्टेक्ट में आ गए, 39% ऐसे केसेस हुए हैं। क्रेन जो ऑपरेटर थे जो ऑपरेट कर रहे थे, उनके 31% एक्सीडेंट हुए हैं, जो कि उनके टच में आ गए। जो वर्कर जो काम कर रहे थे आसपास में, काम करने वाले 19% लोग हैं। अदर जो बात करें, तो अदर में 11% के आसपास में है। तो इसमें अगर बात करें जो टोटल जो कुछ केसेस थे, जो ऑपरेटर जो अंदर काम कर रहे थे पावर लाइन के कांटेक्ट में आने के बाद, और जिन्होंने जंप किया, 7% ऐसी मौतें हुई हैं जिन्होंने की जंप करने के बाद जिनकी जान गई है। और 6% 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने जो आसपास में जो लोग काम कर रहे थे। तो पावर लाइन के आसपास में काम करना अपने आप में एक बड़ा हजार्ड है। तो हमको जब भी कभी किसी पावर लाइन के साथ में या किसी उसके आसपास में अगर काम करना है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके ही काम करना है। एक ऐसा बैरियर हमको बना देना है कि उसके कांटेक्ट में हम जा ही ना पाए। एक दो कंपिटेंट आदमी या सुपरवाइजर इस तरीके का होना चाहिए वहां पे, जो कि आपको देखता रहे, आपकी वर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहे। अगर उसको लगे कि आप उसके कांटेक्ट में आने वाले हैं, तो उससे आपको आगाह कर दे कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, आप यहाँ से दूर रहिए। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी है, लिफ्टिंग को कभी भी इजीली नहीं लेना चाहिए। और आमतौर पर इसके अंदर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो रिगिंग टूल्स कौन कौन से हैं, लिफ्टिंग टूल कौन कौन से हैं, आपका चेन ब्लॉक हो गया, आपका शेकल हो गया, यू क्लैंप हो गई, वायर स्लिंग्स हो गई, आपका सेफ्टी जैसे बेल्ट आपका है, हम लोग वेब स्लिंग को बेल्ट भी बोल देते हैं, तो वेब स्लिंग हो गया, सिंथेटिक वेब स्लिंग हो गया, चेन स्लिंग हो गया, ये सारे के सारे लिफ्टिंग और रिगिंग के टूल्स हैं, जिनके द्वारा आप किसी भी मटेरियल को उठा सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, लोअर कर सकते हो, या इधर उधर कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे स्लिंग के ऊपर स्ट्रेस की। जितना आप उसका जो एंगल है उसको आप मेंटेन करेंगे, उतना ही ज्यादा स्लिंग के ऊपर लोड पड़ेगा। अगर आप 5 डिग्री पे आप किसी मेटल को उठा रहे हैं, और 2,000 पाउंड आपने लिया हुआ, तो उसका जो वेट है वो 11,473 LBS के आसपास में आएगा। 10 डिग्री में थोड़ा कम हो जाएगा, 5,759 आ जाएगा। 20 डिग्री में 2,000 के आसपास हो जाएगा। 30, 40 में, 60 में और भी कम हो जाएगा। जितना हम लोग स्ट्रेट मटेरियल को उठाएंगे, 90 डिग्री का जो एंगल है, उस तरीके का जो एंगल है वो सेफ एंगल कहलाता है। उसमें आपको बहुत जो स्ट्रेस जो आपके स्लिंग के ऊपर पड़ रहा है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन जितना आप दूरी से उसको उठाएंगे, जितना आप एंगल मेंटेन करेंगे, आप 5, 10 या 20, 30 या 45 तक उठाएंगे, तो उसमें आपकी जो क्रेन की जो स्लिंग है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। उसकी स्ट्रेस उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा, और उसकी जो ताकत है वो आधी हो जाएगी। तो हमने जब भी कोई लिफ्टिंग करना है, तो एंगल का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर राइट एंगल पे आप यूज करते हैं, तो आपका जो वेट है, आपकी जो स्लिंग है, आपका जो क्रेन है, वो अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं।
इसके बाद देखेंगे कि भाई वायर रॉप की क्या क्या कैपेसिटीज हैं। अगर आप देखते हैं भाई 1.5 इंची की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर उसको 90 डिग्री के एंगल पे उठाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ होती है 1120 LBS। चोकर हिच में अगर उठाएंगे तो 820 LBS। 2 लैग से उसको उठाएंगे तो जस्ट डबल हो जाती है। अगर बात करते हैं यहाँ पे 1120 की, यहाँ पे 2 लैग्स के साथ उठाया तो 2200 LBS की होगी। 60 डिग्री में उठाएंगे और थोड़ा सा कम हो जाएगा, और 45 डिग्री में उठाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो वर्टिकली जब हम लोग बात करें सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी, जब हम लोग 2 लैग्स के थ्रू उठा रहे हैं। तो हमने कोशिश करना है जितने भी हम लोग सीवियर या जितने भी हम लोग क्रिटिकल लिफ्टिंग करते हैं वो ऐसे ही की जाती है, 2 लैग्स के ऊपर की जाती है, जिससे कि आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल सके, जिससे कि आपको, या फिर इसमें हम लोग करते हैं जो कि वर्टिकल अगर हम लोग उठाते हैं 90 डिग्री एंगल पे इसको उठाया जाता है, उसमें भी हमको अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपका 60 डिग्री 45 डिग्री एंगल भी गुड इनफ है, आपका सेफ्टी फैक्टर उनके ऊपर काम करता है। तो किसी भी स्लिंग के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं देना है, हमारे जो हिचेज हैं उनको भी देखना है कि किस तरीके से आप हिच लगाते हो, किस तरीके से आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो। तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट को सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो उनकी पावर आपको अच्छी मिलेगी। उसके बाद रिगिंग का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट कैसे आप करेंगे, जब भी कभी आप वायर रोप को चेक करने जाएंगे, अगर आपको लगेगा कि वायर रोप खराब हो गई है तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, अपना सर्विसेज से उसको हटा देंगे। अगर किसी भी स्लिंग के या किसी भी वायर रोप के कोई भी जो सिक्स जो रेंडमली जो वायर्स हैं वो ब्रोक हो गए हैं, या जैसे स्लिंग की हम लोग बात करें तो इसके अंदर कोर होता है, स्ट्रैंड होते हैं और वायर होती है। एक वायर होती है बहुत सारी वायर को मिला के एक स्ट्रैंड बनता है, और उनके बीच में से एक वायर की तरह एक स्ट्रैंड निकलता है, कोर निकलता है। तो बहुत सारे स्ट्रैंड को मिला के एक वायर रोप स्लिंग बनता है। तो ये जो वायर रोप स्लिंग है, अगर इसके जो स्ट्रैंड है उनकी स्ट्रैंड में किसी भी तरीके की कोई वायर ब्रेक हो गई है, किसी वायर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ कटे हुए वायर्स हैं या कुछ ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं कपड़ों में, आपके पास आप जब उसको डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो रही है, अगर इस तरीके के कोई स्ट्रैंड में आपको दिखाई देता है कि एक ले के अंदर अगर एक स्ट्रैंड के अंदर कुछ वायर ब्रोक हो गए, तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए अपनी वायर रॉप स्लिंग को। तो हम लोग अपनी बात करेंगे, अगर अगर एक से ज्यादा एक ले के अंदर या आपके जो स्टैंड है उनके अंदर जो वायर ब्रोकन हो गए हैं तो उसको भी हम लोगों को रिमूव कर देना है उठा के। हम लोग देखेंगे भी इसका ओरिजिनल जो डायमीटर है उससे अगर उसमें 1/3 के अंदर कुछ प्रभाव आ गया या किंकिंग की वजह से, क्रशिंग की वजह से, बर्ड केजिंग की वजह से, तो उसको भी हमने डिस्कार्ड कर देना है। अगर उसमें कोई ऐसा एविडेंस आपको लग रहा है कि भाई हीट से वो डैमेज हुई है तो भी हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से अगर कोई वायर है, ये हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक स्ट्रैंड है, ये बहुत सारी वायर्स हैं, वायर्स से बहुत सारी वायर्स को मिला के एक स्ट्रैंड बनते हैं। अगर एक ले के अंदर ये आपके वायर्स जैसे हैं, ये अगर 10 या 12 वायर्स टूटे हुए हैं तो इसको डिस्कार्ड कर देना है, इमिडिएटली साइड से हटा देना है, डैमेज इसको घोषित करके काट भी सकते हैं हम लोग। अगर इसको आप साइड पे काटेंगे नहीं तो आगे चल के ये स्टोर में जमा हो जाएगी, वहां से किसी और आदमी को इशू हो जाएगी, फिर एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप देखते हैं इस तरीके की कोई स्लिंग है तो उसको साइड पे ही आप कटवा दीजिए, और कटवाने के बाद में आप स्टोर में हैंडओवर कीजिए, क्योंकि स्टोर में हैंडओवर करना भी जरूरी है। जब हम लोग स्टोर में जब हैंडओवर करेंगे तभी हम लोगों को नई जो स्लिंग है वो हमारे को मिलेगी। तो कई बार हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो स्लिंग है वो खराब हो गई है, आप इसको चेंज कर दीजिए, तो हमारे जो लोग बोलते हैं कि सर ये 6 टन की है, इसके 4 वायर टूट गए हैं, 1 टन तो हम लोग इससे उठा ही सकते हैं, प्लीज 1 टन के लिए हमें अलाउ कर दीजिए। इस तरीके की जो घटना है वो बहुत बहुत ज्यादा देखी गई है कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके बहुत ज्यादा मार दौड़ रहती है, हमेशा भाग दौड़ करते हैं कि नहीं नहीं ये काम प्रायोरिटी पे लेना है, नहीं आप हमें अलाउ करने दीजिए। अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी आप देख रहे हो, मान लीजिए आपने एक को अलाउ कर दिया, अगर आपके सामने कोई आपको दिखाई दिया कि भाई 6 टन की स्लिंग की कैपेसिटी है, आप उससे 1 टन उठा रहे हो, तो आपने अलाउ कर दिया उसको, आपने उसको अलाउ करके आप चले गए, हो सकता है उसके बाद दूसरा कोई ऑपरेटर आएगा, उसने देखा कि जब सेफ्टी वाले ने अलाउ कर दिया है तो वो उससे जितना उसकी कैपेसिटी है वो उठाने की कोशिश करेगा और आपका जो वायर रोप स्लिंग है वो टूट जाएगा। तो इस तरीके का हमने ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी कोई स्लिंग जो आपको लग रही है कि ये खराब है उसको इमिडिएटली डिस्कार्ड कर दीजिए, काट दीजिए साइड के ऊपर, टुकड़े करके स्टोर में दे दीजिए, नहीं तो उसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट छुपा हुआ है, कोई ना कोई फेटल एक्सीडेंट वहां पे होने के लिए वेट कर रहा है, वो आपको अलार्म दे रही है, ये सिचुएशन ऐसी है जो जो कि आपको अलार्म देती है कि
यहाँ पे कोई दुर्घटना होने वाली है, आप बच के रहिए। तो उस अलार्म को आपने देखना है, उसको एक्नोलेज करना है और अपने जो काम हो रहा है उसको रोक देना है वहां से। उसके बाद अगर कोई ऐसा, जैसे हमने ब्रोकन स्टैंड देखा था तो हमने डिस्कार्ड कर देना है। कोई क्रस्ट रॉक है जो कि पिस गया है एक्स्ट्रा लोड के कारण, या हम जो अच्छे तरीके से अगर इसको हैंडल नहीं करते हैं, या हम लोग जो लिफ्टिंग जो करते हैं उस रूप में प्रॉपर टेक्निक इसको अपनाते नहीं है, या फिर बांधने का जो हमारा तरीका है वो गलत है, तो इस तरीके से क्रैश हो जाती है वायर। इस तरीके की जो वायर है वो भी तुरंत डैमेज कर देनी चाहिए। जो डैमेज जो है उनको काट के स्टोर में हैंड ओवर कर देना चाहिए ताकि दूसरा कोई आदमी इसको यूज ना करे। वरना जैसे हमने पीछे बात की थी, कोई भी नया ऑपरेटर आएगा, कोई भी नया आदमी उसको उठाएगा और उसको लेके यूज करेगा। बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, अगर हम लोग बात करें तो वेब स्लिंग की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। क्योंकि वेब स्लिंग जो है वो ऐसा स्लिंग है जो कि इजी टू हैंडल है। 5 टन 10 टन की जो स्लिंग है उसका वेट आपको 5 किलो भी नहीं होता है, आप उसको उठा के इजीली लेके जा सकते हो। और वही चीज नुकसानदायक कब हो जाती है, जब हम लोग उसका इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं करते हैं। वो हल्का सा भी कोई क्रैक आ गया, कोई डैमेज आ गया, हम लोग उसको रिपीटेटिवली यूज करते रहते हैं और उसके साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो वायर रॉप स्लिंग्स, वेब स्लिंग्स, जितनी भी ये स्लिंग्स हैं, चाहे चैन स्लिंग्स हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब भी आपको कभी दिखाई दे कि यहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी होने वाली है, या ऐसा कोई साइन आपको दिखाई दे कि कोई स्ट्रैंड टूटा हुआ है, या कोई वायर टूटे हुए हैं, या किसी एक ले में गड़बड़ हो रखा है, तो आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसकी वजह से आप जो अपनी स्लिंग है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर बात करें तो ये कटिंग एज है, यहाँ पे एक शार्प एज है। अगर यहाँ पे आप पैडिंग नहीं करेंगे या ब्लॉकिंग नहीं देंगे तो आपका इसमें किंक पैदा हो जाएगा, आपका बर्ड केज बन जाएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर इम्पैक्ट आया है इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे, जो भी आपके जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि शार्प एज को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं बिना पैडिंग के, तो वहां पे आपकी जो स्लिंग है उसके खराब होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर वायर ब्रोक है तो डिस्कार्ड कर देनी है, रिजेक्ट कर देनी है। इस तरीके से अगर वायर रॉप है, अगर गुड कंडीशन में है तो उसको यूज कर सकते हैं। अगर रस्टेड वायर रॉप है या कोरोडेड है, जंग लगा हुआ है पूरी पे, तो भी आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर ऐसे क्रिम्प्ड हो गई है या बर्ड केज बन गया है, ऐसे गैप बन गया तो उसको हम लोग बर्ड केज बोलते हैं, इसको भी आप लोग हटा सकते हैं। ऐसे किंक बन गए हैं शार्प एजेस लोड की वजह से, या क्रैश हो गई है हमारी जो वायर रॉप स्लिंग है, तो भी आप इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये शेकल्स हैं, इसमें काफी सारी तरीके की शेकल्स आती हैं, डी शेकल, दो शेकल। तो ये हमारे जो शेकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें पिन अरेंजमेंट्स हैं, पिन के साथ में इसमें आर पिन दिया हुआ है। यहाँ पे अपना इसका नॉर्मल पिन है, ये आर पिन लगा के इसको रोक के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, ताकि ये लोड आने की कंडीशन में बाहर ना भागे, ये लूज ना हो जाए, घूम ना जाए। इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपने इसको एक की आती है जिसके थ्रू हम लोग रोक पाते हैं। लेकिन जब भी कभी हम लोग डी शैकल के ऊपर या शैकल के ऊपर ऐसा कोई अरेंजमेंट कर देते हैं कि जिसमें हम लोग नॉर्मल पिन ना लगा के कोई बोल्ट लगा दिया, तो बोल्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, आपका जो पिन है उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, तो आपके जो स्क्रू पिन है उसकी जगह पे कोई भी बोल्ट हमने यूज नहीं करना है, क्योंकि वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है जो कि आपकी स्लिंग, जो आपकी आपकी शेकल के बोल्ट के अंदर है, आपकी पिन के अंदर है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं, अगर आप यहाँ पे लोड कैरी करते हैं तो ये खुल सकता है और आपका जो लोड है वो कोलेप्स कर सकता है, आपकी क्रेन भी इससे कोलेप्स कर सकती है अगर हैवी लोड आप डील कर रहे हो। तो अगर कोई ऐसे लोड के साथ आप डील कर रहे हो तो अगर हैवी ऑब्जेक्ट के कारण जर्क लगने की वजह से कभी कभी क्रेन भी कोलैप्स हो जाती है। तो जो शैकल है उसका इंस्पेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ 3-4 हिस्से हैं जिनको आपको जरूर काम करने से पहले, हर रोज जब भी आप कोई मेजर लिफ्टिंग को आप अंजाम देने वाले हैं, तो इन सब चीजों को आपने चेक करना है। यहाँ कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं हो गए हैं, नीचे कोई क्रैक तो डेवलप नहीं है, ये पूरी की पूरी थ्रेड जो है वो अच्छे से काम कर रही है, यहाँ पे कोई क्रैक तो डेवलप नहीं है, इसकी थ्रेड में अच्छे से ग्रीसिंग करना है ताकि इजीली इसको आप खोल पाए और बंद कर पाए। जब भी किसी शेकल की थ्रेड अगर खराब हो गई तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर वो प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा है, खोल नहीं पा रहा है, अगर आप खोलने बंद करने में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत तब आती है जब लोग उसकी हैंडलिंग अच्छे से नहीं करते हैं। हम लोग आधा, जैसे इस तरीके से आधा बांध के रख दिया तो लोड जो होगा वो यहाँ पे गिरेगा तो ये क्रैश कर देगा, उसकी थ्रेडेड को खराब कर देगा। ये तो ये सब चीजें हमने देखनी है। जैसे ऐसी जो स्लिंग आती है उसके ऊपर जो वर्किंग लोड है या सेफ वर्किंग लोड है वो दिखाई दिया होता है कि कितने उसकी कैपेसिटी है।
जैसे आप कितना टन वेट उठा सकते हैं, तो ये सब चीजें इंस्पेक्ट करने की हैं। जब भी आप कभी काम करेंगे तो इस तरीके की सेफ्टी चेकलिस्ट देखेंगे, अगर आपको सेफ लगेगा तभी आपको अलाउ करनी है। आमतौर पर हम लोग वर्क परमिट सिस्टम भी यूज करते हैं, वर्क परमिट के अंदर भी सारी चीजें दी गई होती हैं, एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है जिसके थ्रू आप चेक करके अपने मटेरियल को देख सकते हो कि ये लिफ्टिंग करने के लिए सेफ है कि नहीं है। तो हमारा जो सेफ्टी चेक है वो क्या क्या है, हमारा जो ऑथराइज पर्सन है या जो कॉम्पिटेंट आदमी है वही हमारी क्रेन को ऑपरेट करेगा, जिसको कि एक्सपीरियंस है काम करने का, जिसको एक्सपीरियंस है पहले काम किया है, जिसने जो कॉम्पिटेंट आदमी है। मेरी हर पीपीटी में आप देखेंगे कॉम्पिटेंट आदमी जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट आदमी ऐसा कुशल आदमी है जिसको वर्क एक्सपीरियंस है, जिसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, उसको पूरा एक्सपीरियंस है, उसको पता है उसके कौन से एक गलत बिहेवियर की वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपका जो ऑपरेटर है और जो रिगर है वो सर्टिफाइड होने चाहिए थर्ड पार्टी से, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल रोल को करने वाले हैं, बहुत बड़े काम को वो लोग करने वाले हैं, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक छोटी सी जो गलती अगर वो करते हैं तो बहुत बड़ा हर्जाना उसका कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद जो क्रेन है उसको भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आपने कराना है, हम लोग टीपीआई बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। तो आपकी जितनी भी ऐसी क्रेन्स हैं उसका थर्ड पार्टी आपने कराना है, जितने भी आपके लिफ्टिंग टूल्स हैं, चाहे वो शैकल्स हैं, चाहे आपका वेब स्लिंग्स हैं, वायर रोप स्लिंग्स हैं, सबका आपको टीपीआई कराना है। थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग किसी भी टूल की सेफ्टी अगर देखनी है तो हम लोग तो चेक करते ही चेक करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी वाला आके उसको सर्टिफाई कर जाता है कि ये जो मटेरियल है ये आपका यूज करने के लिए सेफ है। उसके बाद में आपका जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है वो भी सर्टिफाइड होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और उसका सेफ लोड जो है उसके ऊपर मार्क होना चाहिए। जो भी आपकी क्रेन है, मान लीजिए 50 टन का लोड आपकी क्रेन उठा सकती है, तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि सेफ वर्किंग लोड 50 टन, सेफ वर्किंग लोड 40 टन। तो पूरा का पूरा ये जो आपको करेगा थर्ड पार्टी, आपको लोड को टेस्ट करके बताएगा और अपने वर्किंग लोड को उठाएंगे, और वर्किंग लोड को उठाकर उसको टेस्ट करेंगे कि इतने लोड पे ये टेस्ट हो गया है, इतने फॉल पे ये टेस्ट हुआ था, उस फॉल के ऊपर ये इतना कैपेसिटी मिला है कि इतना सेफ वर्किंग करना, या इतना जो इतने लोड के ऊपर ये सेफली काम कर सकता है। तो वो जो लोड टेस्ट है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो लाइव होना चाहिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन सबके सामने होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा चीज ना रहे, हर चीज पारदर्शी हो जाए। एक ट्रांसपेरेंसी जरूरी है जब भी आप कभी कोई टेस्ट करने जा रहे हैं। तो उसके बाद में सेफ्टी चेक और क्या क्या चेक करेंगे, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे ग्राउंड की। जब भी आप कभी कोई लिफ्टिंग करने वाले हैं किसी क्रेन के द्वारा, तो हम लोग देखेंगे कि भाई जहाँ पे आपने क्रेन रखी है, क्रेन जहाँ पे आप पार्क करने जा रहे हो, वो एरिया क्या अच्छा है, वो उसमें पूरा का पूरा कंपेक्शन हुआ है। कंपेक्शन से मतलब है कि जिस लेवल पे आपने क्रेन खड़ी करी है, क्या वो कंपेक्टेड है एरिया, क्या वो लोड उठा पाएगा आपके आउटरिगर का, क्या आपकी क्रेन वहाँ खड़ी हो पाएगी, धस तो नहीं जाएगी वो। उसके बाद जितने भी आपके मूविंग पार्ट्स हैं वो गार्डेड होने चाहिए, क्योंकि मूविंग पार्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से भी कई बार फेटल हो जाते हैं। आपका जो लोड चार्ट है वो क्रेन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, क्रेन के अंदर और बाहर दोनों में होना चाहिए। आजकल तो जो लोड चार्ट है वो डिजिटल मीटर वाले आ गए हैं, आप क्रेन के अंदर जब आप जाके देखोगे तो आपको हर चीज डिफाइन मिलेगी कि इस क्रेन का जो लोड है वो इतना है, इतने बूम पे, इतने एंगल पे इसने मटेरियल को उठा रखा है, आउटरिगर पे, इस आउटरिगर पे इतना लोड आ रहा है, उस आउटरिगर पे इतना लोड आ रहा है, बूम के अंदर इतना लोड आ रहा है, सब कुछ आपको अंदर ही दिखाई दे जाएगा। पहले आपको बाहर से देखना पड़ता था, सिर्फ ऑपरेटर को बताता था, आजकल सब चीजें डिजिटल हैं। आप जैसे मशीन के अंदर, कैबिन के अंदर घुसेंगे, आपको एक एक चीज दिखाई दे जाएगी, आपको कोई भी चीज के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद जहाँ पे भी आप काम करने वाले हो वो एरिया फुल्ली बैरिकेडेड होना चाहिए, उसके अंदर सेफ्टी साइनेज लगे होने चाहिए कि क्रेन ऑपरेशन चल रहे हैं, सस्पेंडेड लोड है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, मैन नेटवर्क, इस तरीके का आप सेफ्टी साइनेज वहाँ पे यूज कर सकते हो। कभी भी लोड को, जब आपका सेफ वर्किंग जो लोड है उससे ज्यादा आपने ट्राई नहीं करना है कि 10 टन की इसकी कैपेसिटी है तो हम लोग 11 टन उठा लें, 1 टन में क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग 12 टन उठा लें, इतना तो सेफ्टी फैक्टर काम करता है। ये जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है वही दुर्घटनाओं को अंजाम दिलवाता है, उसी से दुर्घटनाएं होती हैं। तो कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। आपकी क्रेन की अगर कैपेसिटी 10 टन की है तो उससे आप 10 टन ही उठाइए, अगर आपको 11 टन लोड उठाना है तो आप 20 टन की क्रेन लेके आइए, जिससे कि आपका जो क्रेन का मूवमेंट है वो सेफ हो जाए, क्रेन के ऊपर कोई भी एडिशनल लोड ना पड़े। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो 100 टन का वेट है, हम बोलते हैं कि यार 110 टन है, 10 ही टन तो हो रहा है एक्स्ट्रा, क्या फर्क पड़ेगा, एक सिंगल टन भी क्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है।
एक सिंगल टन जो वजन है, 1 टन वजन की वजह से भी क्रेन कोलैप्स हो सकती है। तो कभी भी वेट को या लिफ्टिंग को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद जब भी कभी आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जहाँ पे लिफ्टिंग चल रहा है, सस्पेंडेड लोड आपके सिर के ऊपर से लोड घूम रहा है, तो उसके नीचे कभी भी काम नहीं करना है, ना उसके नीचे खड़ा होना है। कई बार ऐसे देखा गया है कि जो लिफ्टिंग इंजीनियर होते हैं वो उसके लोड के नीचे खड़े रहते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट लीजिए, थोड़ा सा राइट लीजिए। वो जो काम करना है वो कॉम्पिटेंट आदमी के द्वारा करना है, उसमें आपको ऐसी जगह पे खड़े होना है जिससे कि आपकी जान बच सके। आपको अगर कोई लोड कोलैप्स होता है, लोड नीचे गिरता है, क्रेन नीचे गिरती है, तो आपके पास में इतना मौका हो कि आप अपनी जान बचा पाए, और कोई भी अनऑथराइज आदमी उस जगह पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप टैगलाइन आपको यूज करनी है, जितना भी आपका जो लोड है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको दिशा दिखाने के लिए टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टैगरेल के थ्रू आप अपना जो लोड है उसको दाएं बाएं कर सकते हैं, वो कहीं फंस रहा है तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने लोड को। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ऊंचाई पे आप करने वाले हैं काम को, आप नीचे से लेके उतना लंबा आपको टैगलाइन यूज करना है। कई बार हम लोग टैगलाइन यूज करने में कंजूसी बरत देते हैं। आपको 10 मीटर की हाइट के ऊपर लिफ्टिंग करना था, प्लेस करना था अपने लोड को, हमने सिर्फ 2 मीटर का टैगलाइन रखा कि एक आदमी जब ऊपर चढ़ जाएगा तो इस लोड के साथ वहीं पे जाके इसको डायरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है, नीचे से उसको टैग करना है, और टैगलाइन इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 2 आदमी 3 आदमी नीचे से खड़े होकर लोड को डायरेक्शन दे पाए। उसके बाद कभी भी जो आपकी क्रेन है उसको अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है, या वेदर खराब है, या ऐसा एटमोसफेयर बना हुआ है कि आंधी के आने के आसार हैं या बारिश आने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी तेज हवाओं के दौरान किसी भी क्रेन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्रेन कोलैप्स कर सकती है। आपका जितने भी आपके आउटरिगर्स हैं उसको पूरा का पूरा खुला होना चाहिए, उसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, और उसके आउटरिगर के नीचे पूरा वुडन प्लेट रखना चाहिए या मेटल प्लेट रखना चाहिए। अगर आपकी जमीन जो है वो सॉफ्ट है, आप जहाँ पे आप काम करने वाले हैं वो एरिया सॉफ्ट है, अगर वो हार्ड भी है तो भी आपको ये प्रोटेक्शन जरूर लेना है। कई बार काफी लोग क्या करते हैं, आपके आउटरिगर और क्रेन के बीच में काफी सारा गैप बच जाता है, या आपका एरिया लेवल नहीं है, तो हम लोग उसके अंदर प्लैंक्स लगा देते हैं, वुडन प्लैंक्स लगा रहते हैं। उसके बाद में जो उसका जो लोड पड़ रहा है वो आउटरिगर के ऊपर नहीं पड़ता है, वो आपके वुडन प्लैंक्स के ऊपर पड़ रहा है, तो आपका जो क्रेन है वो फेल हो सकता है, आपका हाइड्रोलिक फेल हो सकता है। इस तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। आउटरिगर जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है आपकी क्रेन के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसीलिए आउटरिगर की बहुत बड़ी भूमिका है किसी भी लोड को उठाने के अंदर। तो आपको जब आपके आउटरिगर जब आप यूज कर रहे हो तो उसकी फुली एक्सटेंडेड होने चाहिए। अगर 3 मीटर का आउटरिगर है तो पूरा का पूरा 3 मीटर निकालिए, 1 मीटर या 2 मीटर मत निकालिए, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है। पूरा निकाल के उसके नीचे प्रॉपर अपना पैकिंग कीजिए। पैकिंग जो है मेटल प्लेट्स के साथ में या वुडन प्लैंक्स के साथ में आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको इजीली आप हम आजकल तो जितने भी आपकी क्रेन्स है उसके अंदर वाटर लेवल ऑटोमेटिक है। उसके अंदर जब भी आप कभी आउटरिगर प्लेस करेंगे तो आपको वहां पे जो वाटर लेवल है उससे पता लग जाएगा कि आपका जो ये आउटरिगर रखा हुआ है क्या वो लेवल में है, फॉर्म है अच्छे तरीके से कि नहीं, वो सब आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। तो आज की तरफ से, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिगिंग सेफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है, अगर इसके अंदर छोटी सी भी चूक हो गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। एक क्रेन की औसतन जो कीमत होती है वो 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के आसपास की होती है। अगर मैं बात करूं 300 टन की क्रेन या 500 टन की क्रेन की, उनकी कीमत और ज्यादा चली जाती है, 10 10 12 12 करोड़ तक चली जाती है। और इंसान की कीमत आपको पता ही है, प्राइसलेस है, इंसान को किसी पैसे में हम आंक ही नहीं सकते हैं। तो जब भी कभी लिफ्टिंग करें, लॉन्चिंग करें, तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए। इम्पोर्टेंट हर एक आदमी की जो जान है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिए कि जो इंजीनियर है उसकी जान की कीमत करोड़ों में है, जो वर्कर है उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। हर आदमी अपनी फैमिली के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, हर आदमी की अपने घर में ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जो भी काम कीजिए उसको सेफ कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।